नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। जौनपुर की मल्हानी विधानसभा के जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह का प्रचार करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि हैरानी की बात तो ये है कि अजीत हत्याकांड का आरोपी 25,000 का इनामी धनंजय सिंह फरार चल रहा है और पुलिस इसकी तलाश कर रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हत्याकांड मामले के आरोपी धनंजय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धनंजय सिंह मल्हनी विधानसभा में लोगों से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल धनंजय सिंह अजीत हत्याकांड मामले में आरोपी हैं और उन पर लखनऊ पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा है। लखनऊ पुलिस अजीत सिंह हत्याकांड के बाद से धनंजय की तलाश कर रही है। धनंजय सिंह दो बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से वायरल कर सपा ने योगी सरकार और पुलिस पर तीखा हमला बोला है और लखनऊ पुलिस को जवाब देने के लिए कहा है। बता दें, सपा ने इस वीडियो के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है। जहां यूपी में योगी सरकार गुंडा राज को खत्म करने की बात करती है, वहीं वायरल वीडियो ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें, जिस तरह मुख्तार अंसारी जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह धनंजय सिंह मल्हानी विधानसभा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं। इससे कुछ महीने पहले भी धनंजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो के सहारे उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। पुलिस रिकॉर्ड में धनंजय सिंह फरार है। पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम भी रखा है, लेकिन वो सरेआम घूम रहे हैं। वीडियो वायरल हो रही है, बस पुलिस को ही नहीं मिल रहे। जौनपुर के रहने वाले धनंजय सिंह यहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर 2002 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद अगला चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर लड़ा, फिर से वे जीत गए। सपा ने इस वीडियो में बीजेपी को निशाने पर लिया है, क्योंकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है और यूपी में बीजेपी की सरकार।